अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो कैश ड्रॉ और कैश फ्लो रिपोर्ट्स के लिए है कि किस तरह हम अपने कैश फ्लो को ट्रैक कर सकते हैं। अब इसमें तीन चार चीज़ें हैं, जैसे कि मैं अपने बॉस का मेन्यू खोलता हूँ, इसमें कैश ड्रॉ में जाता हूँ और इधर ऐड ओपनिंग बैलेंस, ऐड कैश और ड्रॉप कैश आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस ये है कि जब हम अपने ब्रांच की ओपनिंग करते हैं तो एक ओपनिंग बैलेंस हम ऐड करते हैं अपने कैश ड्रॉअर में। लेट्स सपोज 15,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया है। ओके करेंगे एंड सिंक। ओके, आफ्टर सिंकिंग अब ये चीज़ हम अपने कस्टम रिपोर्ट्स पे देखेंगे, जिसके लिए हमें अपने पोर्टल पे जाना पड़ेगा। रिपोर्ट्स, कस्टम रिपोर्ट्स, और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया 15,000। अब इसी तरह इसमें कैश एडेड है, कैश ड्रॉप है, कैश इन और कैश इन आउट। कैश इन और कैश आउट ये है कि कैश इन ये है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन होंगी वो कैश इन में आएंगे, और जो कैश आउट है वो जो हमारे रिटर्न ऑर्डर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम इसी तरह दोबारा से अपने पॉज से ऐड कैश करते हैं और ड्रॉप कैश करते हैं। ऐड कैश, लेट्स सपोज मैं 5,000 कैश ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा एडिट, ये फॉर कमेंट सेक्शंस है। ओके, और इसी तरह मैं एक ड्रॉप कैश कर देता हूँ 1,000 का। लेट्स सपोज ये मैंने ग्रॉसरीज के लिए कैश दिया है, फॉर ग्रॉसरी। ओके एंड सिंक। आफ्टर सिंकिंग दोबारा से हम लोग अपने पोर्टल पर लेंगे, रिपोर्ट्स, कस्टम रिपोर्ट्स, और अब हम देखते हैं कि कैश ऐड जो हुआ है वो 5,000 हुआ हुआ है। ये जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें कमेंट्स भी शो हो जाएंगे, ठीक है। और ये 1,000 जो ड्रॉप कैश, इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा कमेंट भी यहाँ पे शो हो जाएगा। और कैश से हमें 19,000, यानी कि 15 + 5 20, और ड्रॉप कैश हुआ है 1, तो 20 - 1 19,000 हमें यहाँ पे कैश हमें आ रहा है। अब इसी तरह कैश इन और कैश आउट को चेक करते हैं। दोबारा से अपने पॉज पे जाते हैं और एक ऑर्डर प्लेस करते हैं 200 का। एक मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, पेमेंट कैश पे। आफ्टर सिंकिंग दोबारा से अपने पोर्टल पे जाएंगे, कस्टम रिपोर्ट्स ओपन करेंगे, और यहाँ पे 200 रुपये का ऑर्डर हुआ जो कैश इन में आ रहा है, और टोटल सेल भी हमारी 200 आ रही है, और इसी तरह कैश सम भी हमारा ज़्यादा हो गया। कैश आउट अब तब होगा जब मैं रिटर्न ऑर्डर करूँगा। अब एक रिटर्न ऑर्डर करके चेक करेंगे। ऑर्डर हिस्ट्री में जाता हूँ मैं अपने बॉस की, यहाँ पर रिटर्न पे क्लिक करूँगा, और एक मैं 80 रुपीज़ की ब्रेड जो है वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पर। चेकआउट कैश पे सिंक। आफ्टर सिंकिंग पोर्टल को जाके रिफ्रेश करेंगे, कस्टम रिपोर्ट्स, और अब आप देख सकते हैं कि कैश आउट जो है वो 80 हुआ हुआ है, जो कि हमने रिटर्न ऑर्डर किया है, और इसी तरह हमारे रिटर्न ऑर्डर्स में भी 80 शो हो रहा है, और कैश सम भी हमारा 80 लेस हो गया है। और दैट्स इट, थैंक यू।